पीछे मैंने पंगे जो लिए वो 3-4 मेरे बड़े बड़े पंगे हुए थे जिनकी वजह से मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ था। खुशी में 500। तो आपने कितने बड़े लॉट्स का काम कर लिया कि आपको 70,000 रुपए का लॉस सिर्फ इतने छोटे से मूवमेंट में हो गया। भैया अगर इतना पैसा है तो मुझे ही दे दो, मार्केट को क्यों दे रहे हो, ऐसे ही दे दो। और इतना बेसिक स्टडी तो मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, इससे पूछ के ट्रेड किया, उससे पूछ के ट्रेड किया, किसी से भी पूछो, लेकिन साथ में एक बार खुद से चेक करो। राइट, जैसे लॉसेस दिखना चालू हो जाता है सब गड़बड़ हो जाता है। अब आपको अपनी मिस्टेक देखो, खुद ही समझ में आ गई आपने क्या गलती की है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप जिस तरीके से गाइड करते हो मैम, सच में मैं बताऊं, मैं इतने सालों से मार्केट में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों से लर्निंग ली है मैंने, लेकिन मैं ऐसा गाइडेंस नहीं देखा। सब कुछ ना कुछ हाइड कर लेते हैं मैम, लेकिन आप कुछ भी हाइड नहीं करते हो, कर रहा कोई मतलब बताने नहीं चाहता, क्योंकि सीखना बहुत सारे लोग चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। उसका पर्टिकुलर रीज़न है कि मेरा स्टाइल ऑफ मेंटरशिप थोड़ा सा अलग है। मैं हैंड होल्डिंग, गाइडेंस व्हाट्सएप पे सबको करती ही हूँ, रेगुलर उनको जवाब देती भी हूँ, लेकिन ख़ास बात यह है कि मैं उनके साथ पर्सनली भी इंटरेक्ट करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जैसे स्टूडेंट को बीच में पूछने में डिफ़िकल्टी होती है, ग्रुप में पूछने में डिफ़िकल्टी होती है, या समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो मैं उनको पर्सनली फ़ोन भी कर लेती हूँ, समझा देती हूँ। और अगर फ़ोन पे भी नहीं समझता है तो वेबिनार करके समझा देती हूँ, और इस तरह से उनको क्लैरिटी मिल जाती है, डाउट्स भी क्लियर होते हैं। भाई, मेंटरशिप और हैंड होल्डिंग का मतलब तो यही है ना कि मैं उन्हें तब तक गाइड करूँ जब तक वो इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खुद खड़े ना हो जाए। यस, मैं ऐसा करती हूँ, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ऑन यूट्यूब। क्यों? जो गलती वो लोग कर रहे हैं, जहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, वो लोग ने जहाँ पे कोई लॉस किया हो, और या उनको कहीं कन्फ्यूजन है, वो चीज़ जब मैं उनको बता रही हूँ, वो वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे डालती हूँ तो सब लोग देख सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो उसमें मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ उन लोग को, जो क्लैरिटी दे रही हूँ उन लोगों को, वो आप भी ले सकते हैं। ये जो वीडियोस होते हैं उनमें जैसे कहीं पे उनकी जो मिस्टेक हुई तो चार्ट पे बता देती हूँ कि उन्होंने क्या नहीं देखा जो उनको देखना चाहिए था, एंट्री जो हुई है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, उसका रीज़न क्या होता है। बहुत बार ऐसा कर देते हैं कि भाई जहाँ पे हमें एग्ज़िट लेना चाहिए हमको वो बाय वाला दिख रहा है, जो प्रीवियस पॉइंट्स है वो इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे वैरायटीज़ ऑफ मिस्टेक्स होती है। फिर स्टडी से ट्रेड लेते हैं और बाद में इमोशंस पे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, खाली सिखा देने से कुछ नहीं होता। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? अच्छा मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, कहाँ पे अटके थे, क्या मिस्टेक की थी, क्या पंगा लिया मार्केट से? मैम ऐसा है कि वैसे तो मैं काफी समय से मार्केट में हूँ, और लेकिन जो नॉलेज आपसे मुझे मिली है मैम, वो नॉलेज मुझे कहीं आज तक मिली नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको। और पंगा मैम, मैंने पीछे दरअसल आपसे गाइडेंस मिलने के बाद तो पंगे मेरे बहुत कम हो गए, लेकिन पीछे मैंने पंगे जो लिए वो 3-4 मेरे बड़े बड़े पंगे हुए थे जिनकी वजह से मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ था। आपकी मिस्टेक्स को जरा देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और उन्हीं मिस्टेक्स से आपको बताते हैं कि आपने क्या गलती जो की है, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके मैम। मैम एक तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्रेड तो स्टडी पे लिया होगा, बाद में आप भावनाओं में बह गए होंगे। भावनाओं में बह गए, वो इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाते मैम। स्टडी की ऐसी तैसी हो गई। बिल्कुल और... मैम सबके सब ब्रेकआउट वाले विद वॉल्यूम वाली ट्रेड है मैम, जिनमें मैंने लॉस लिया। मतलब स्टडी प्रॉपर थी, लेकिन हाँ, बाद में हाँ जी हाँ जी इमोशंस बीच में आ गए। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं, आप शेयर करिए अपना स्क्रीन और लॉस कितना किया, किस किस में किया, वो सब मुझे बताइएगा साथ साथ में, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहती हूँ अब इतना बड़ा लॉस करके रह कैसे सकते हो। मैम लॉस के लिए तो मैं आपको बताऊं कि लॉस तो अब यहाँ पे प्रॉफिट के अगेंस्ट तो लॉस है कि मतलब लॉस है, लेकिन प्रॉफिट जैसे आप बोलते हो कि 60% हमारा सही होना चाहिए। मेरा स्ट्राइक रेट अगर 60% आ गया मेरे नेट में, ईयरली बैलेंस शीट जो है ओवरऑल एवरेज पॉजिटिव रहना चाहिए। जी मैम, मैम जैसे मैंने अभी मारुति में ना ये ब्रेकआउट ट्रेड आया था और वॉल्यूम भी इसमें बढ़ रहा था, तो मैंने इसकी एक कॉल ली थी मैम। आपको स्क्रीन विजिबल मैम? हाँ बिल्कुल विजिबल है मैम। इसकी मैंने एक कॉल ली थी, ये करीब मैंने ली थी मैम 8 अप्रैल को और 12,700 की ली थी मैम एट द रेट ऑफ 267.70 में 8 अप्रैल को। जी मैम, ब्रेकआउट के हिसाब से ली थी। जी बिल्कुल। और ये अपना लॉन्ग बिल्डअप था क्या? जी मैम, उस दिन लॉन्ग बिल्डअप था और ओपन इक्वल टू लो भी था और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के पास में था। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट के पास था, मतलब हाईएस्ट पुट के पास था मैम। हाईएस्ट एचपीओआई था मैम। मैम आपने कब, अच्छा एक मिनट, ये आपने कब लिया था, क्या रेट में लिया था? जरा उसपे कर्सर लेके जाइए और बताइए क्या रेट पे आपने कॉल लिया था। मैम मैंने लिया था जब ये पहुंचा था 12,783 पे, मतलब 300 पॉइंट तो आप निकाल चुके थे। निकल चुका था मैम। मैम मेरे को ये था कि ब्रेकआउट ट्रेड है तो एक आज का दिन और कल का दिन होल्ड करके कल चल सकते हैं। नहीं एक मिनट, ब्रेकआउट ट्रेड बाद में बना। जी ओपन लो था। जी मैम 9:30 पे, 9:15 से 9:30 हम वेट करते हैं, यहाँ तक तो मेरा कोर्स भी हो चुका था। जी मैम। उसके बाद आपने ब्रेकआउट तक का वेट किया? जी मैम, नहीं हाँ मैम ब्रेकआउट तक का वेट किया मैंने। क्या बोलूं मैं, आपने ऑलरेडी 350 पॉइंट ऊपर जाके फिर बाई किया, जबकि अपनी बात क्या हुई थी, ओपन और लो के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है हम बाय कर सकते हैं विथ, और मूवमेंट ज्यादा नहीं आई है तो हम बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1% बिलो। अपनी ऐसी बात हुई थी, ये सिखाया था मैंने आपको। जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप स्टॉप लॉस के साथ में जो अगर आप देखो तो पिछले 4-5 कैंडल्स के लो के साथ में आप इसको कर सकते थे। जी मैम बिल्कुल कर सकता था मैं, लेकिन मैम दरअसल एक आदत पड़ी हुई है, एक स्विंग ट्रेड की, स्विंग की बात कर रही हूँ मैं। इसको स्टॉप लॉस बना के आप ट्रेड कर सकते थे। जी बिल्कुल मैम। राइट, या इसके स्टॉप लॉस के साथ में ये जो लो है, मैं स्विंग की ही बात कर रही हूँ। जी मैम, तो आप इसको ट्रेड कर सकते थे। जी बिल्कुल मैंने, मैम अभी आपको आपका ही स्विंग बताती हूँ जो आपने मिस्टेक की है। जी मैम। राइट, अब यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाइए। आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो आपने मिस कर दिया, बहुत बुरी तरह से मिस किया है और जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब जाओ 15 मिनट्स, सीधा ब्रेकआउट रिफ्रेश करिए तो चार्ट ठीक हो जाएगा। हाँ देखो अभी, क्या बोलते हो? हाँ जी मैम। आप कितना ऊपर जाके ट्रेड लिए हो? ब्रेकआउट यहाँ नहीं दिखा था? नहीं मैम, दरअसल ये ब्रेकआउट नहीं दिखा। मैंने दरअसल मैं ना डे की कैंडल लगा के बैठा हुआ था कि इसका ब्रेकआउट आएगा तभी। जब देखिए, जब आप स्विंग करते हो तो कैंडल्स यूज करते हैं जो हम डेली के, वो लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने स्विंग लिया है, अगर आपने ओपन लो और सिर्फ उसी के हिसाब से लिया होता तो डेली देखो, और उसमें भी मैंने बोला 9:30 बजे तक अगर सिर्फ 1% की मूवमेंट आई है तो आप उसमें काम कर सकते हो। जी, तो फिर आपने 350 पॉइंट छोड़ दिया। बिल्कुल मैम बिल्कुल। और लेकिन मैम बस वही यही देख के दिमाग में, और दूसरी बात आपने इसमें क्या लॉस बुक किया? जी मैम मैंने लॉस बुक किया इसमें। क्यों मैम? लॉस इसलिए बुक किया, इसको मैंने कहीं यहीं पे लिया था और मैं डे लो के लेके चल रहा था कि डे लो तब तक मेरा वो होगा। जब ये स्विंग आपने बनाया हाई तो स्विंग के नीचे ही आपको कट कर देना चाहिए था ना मेरे भाई। यहाँ पे मैंने दरअसल ये 2 दिन साइडवेज रहा, थीटा मेरा लॉस हुआ और मैंने यहाँ पे कहीं आगे अपना लॉस बुक कर लिया था। 2 दिन का थीटा लॉस का अगर आपका ये इतना भाग गया तो मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको स्प्रेड में कन्वर्ट करके जाएंगे जाते जाते। मैम दरअसल अभी तब लर्निंग फेज था तो मैम स्प्रेड में नहीं कर पाया मैं इसको। सबसे पहली गलती तो यही थी कि लर्निंग फेज पे मैंने पेपर ट्रेड करने को बोला था, मैंने रियल ट्रेड करने को बोला ही नहीं था। मैम बिल्कुल नहीं बोला था आपने, लेकिन मैम पीछे से करीब 10-11 साल से करता चला आ रहा हूँ और वो दिमाग ओवर। और मैंने ये भी कहा कि है ना ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। जी बिल्कुल कहा था आपने। देखो गलती हो गई वो तो बहुत अच्छी बात है, गलती का पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? सर मैम मिल गया मुझे तो मार्केट ने आपको दे दी ना पनिशमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो देर नहीं लगाता मार्केट, देर नहीं लगाता मार्केट, देर नहीं लगाता ना। नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरी क्या गलती की मैम इससे पहले? इसके बाद आपसे सीखने के बाद ये बस लास्ट मिस्टेक थी। इससे पहले मैंने मार्च में लास्ट मिस्टेक हो। जी मैम इससे पहले मैंने मार्च में करी थी मैम कंज्यूमर में। आई होप ये लास्ट मिस्टेक हो। जी मैम इसके बाद फिर मैम अभी तक तो देखिए प्रॉफिट में भी, देखिए प्रॉफिट में भी लॉस करते हैं, उतना दुख तो नहीं होता, लॉस में लॉस करते हैं बड़ा दुख होता है, लेकिन प्रॉफिट में भी आपका 50% अगर लॉस हो जाए तो निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं मैम दरअसल मैं आपको बताऊं, मैं ना डेली की कैंडल देख के ही चल रहा था और अभी हमारी लर्निंग फेज था तो उसमें देखिए जब आप डेली कैंडल देख के चल रहे हो तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या सिस्टम यूज करना है। इमीट 9:30 के बाद आप ले सकते हो, आपको स्टॉप लॉस वगैरह सब सिखाया हुआ है। मैम दरअसल 2 तारीख को हमारी क्लासेस शुरू हुई थी और ये 8 तारीख को आया तो बस भावनाओं में बहके मैम, भावनाओं में बहके देखो क्या किया है। और आपको एक चीज दिखाऊं जो मुझे सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। कहाँ पे मैम? यहाँ पे ये वाला राइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ जी हाँ जी। अभी ये जो इसका राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका ये जो डिस्टेंस होता है ना ये उसका टारगेट हो जाता है। ओके मैम ओके क्लियर मैम, अभी आपने ये चीज बताई है मैम। ओके मैम थैंक यू मैम। तो आप वहां पे तो निकल जाते कम से कम। ये नॉलेज मैम कहीं नहीं मिली लिटरली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम, बहुत 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 थैंक यू मैम। दूसरी मिस्टेक बताओ। मैं करीब 11 सालों से मैम मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके की ट्रेडिंग टचवुड समझ में नहीं आई। मेरी मेंटोरिंग तो ऐसे ही होती है। टाटा कंज्यूमर में मैम मैंने करी थी, उसमें मैं आपको बताऊँ इसमें करीब आई थी, ये था 1 मार्च के आसपास, ये था मैम, ये गलती हुई थी मैम। आप बताइए मैम। एक ये ब्रेकआउट ट्रेड लिया था मैंने, ड्रॉ करिए यहाँ पे 4 मार्च को। वो उस टाइम तक ऐसा वाला ब्रेकआउट लेते हो और मैं ऐसा वाला ब्रेकआउट लेती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए यहाँ पे। ओके मैम। जो मैंने अभी बना रही थी, अभी कंप्रेस कीजिए इसको। हाँ अभी ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है इसका ब्रेकआउट देखिए है। हाँ जी मैम बिल्कुल। और उसके बाद दूसरे दिन ओपन लो मैम। अब आपको अपनी मिस्टेक देखो खुद ही समझ में आ गई आपने क्या गलती की है। थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू। आ गई मैम। मतलब इसमें कितने का पंगा लिया मार्केट से? मैम फिगर तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लॉस इसमें भी हुआ था मेरा। ओके कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं जी। आपने टेक्निकल के लिए रजिस्टर किया है? हाँ जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसी वाली बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगी, डोंट वरी। थैंक यू मैम थैंक यू। क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन चीज है भाई, अगर ये नहीं आया तो फिर क्या आया? बिल्कुल मैम। राइट जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ऐसी चीजें तो हम बहुत सिखा देंगे आपको। आपको समझ में आ रही है आपने कहाँ पे आके क्या मिस्टेक किए? जहाँ पे आपको एग्जिट होना चाहिए था वहां पे एंट्री कर रहे हो। जी मैम। मैम यही गलती हो रही मैम कि जहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था मुझे, ये जब से मैम अभी ज्वाइन किया है उसके बाद से ये चीजें क्लियर हो गई हैं मुझे कि मुझे किस तरीके से कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर उसके बाद भी आपने गलती की ना। जी बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मैम। और स्टडी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल। और स्टडी पे फोकस करेंगे। बिल्कुल मैम स्टडी पे फोकस है मैम। पक्की बात? बिल्कुल श्योर मैम। और वैसे भी आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम तो शायद अच्छा लगा ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। जिस ढंग से आप ट्रेड उठा रहे हो आप जिस तरीके से गाइड करते हो मैम, सच में मैं बताऊं, मैं इतने सालों से मार्केट में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों से लर्निंग ली है मैंने, लेकिन मैं ऐसा गाइडेंस नहीं देखा। सब कुछ ना कुछ हाइड कर लेते हैं मैम, लेकिन आप कुछ भी हाइड नहीं करते हो। करने जैसा है क्या? जो स्टडी है वो है, जो सामने दिखता है वो दिखता है, इसमें हाइड करने जैसा क्या है? अगर आप करते तो ये भी कितना अच्छा ट्रेड था। देखो जी मैम, टारगेट भी था सामने और एंट्री भी बहुत अच्छी थी, है ना जी मैम। देखो एक और चीज जो मुझे दिख रही है, बताती हूँ। क्या ये ट्रेड नहीं दिख रहा? हाँ। और इसका टारगेट ये भी दिख रहा है मैम। फिर इसके बाद इसको आप एक काम करिए जी मैम, 2 डिग्री लोअर 30 मिनट्स में जाके देखिए क्या पैटर्न बनता है। रिफ्रेश कीजिए। हाँ राइट है, बिल्कुल मैम। क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट मार्क करके रख देते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट मार्क करके रख देते हैं, जिस साइड ब्रेक किया उस साइड ट्रेड लेने का। मैम इसमें क्या जिस तरफ भी अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ लेंगे, वैसे ज्यादातर तो ये बुलिश ही होना चाहिए मैम। यहाँ से हाउ कैन यू से दैट? मैं तो सबसे कहती हूँ मैं ज्योति हूँ, ज्योतिषी नहीं। नहीं नहीं, वो तो मैम बिल्कुल सही बात है। मार्केट जो बोलता है उसको फॉलो करो, आपको क्या चाहिए वो मत देखो जी। वेट करेंगे, जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड देखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल मैम। ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हम आपको टेक्निकल्स में सिखाएंगे जी मैम, जैसे कि आप बनते हैं, बनते हुए पैटर्न्स आपको दिखाएंगे कि पैटर्न बनते कैसे। थैंक यू मैम। भाई ऐसे ही थोड़ी 1990 से टेक्निकल्स कर रही हूँ, वो भी ग्राफ पेपर पे। नहीं मैम, सच में मैम इतना एक्सपीरियंस तो जितना आपको है इतना एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई है या कोई डिलीवर कर रहा है। नहीं नहीं, बहुत है बहुत है बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग देते हैं, नहीं कर रहा कोई, मतलब बताने नहीं चाहता, क्योंकि सीखना बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। मैम नहीं नहीं भाई, हम बताना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं, डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इसीलिए तो मेरा काम ही है, जब मैं हैंड होल्डिंग मेंटोरिंग बोलती हूँ तो उसमें इसीलिए तो मैं क्या करती हूँ कि जिन जिन लोगों को क्वेरी होती है और जो अपना मिस्टेक्स मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं उनसे मैं पर्सनली वेबिनार, यूट्यूब, जूम या फोन कॉल्स करती रहती हूँ। थैंक यू मैम। ओके चलिए, फिर मिलते हैं टेक्निकल्स के कोर्स में। नमस्ते। नमस्ते मैम। ऑप्शंस के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वेल इन दैट केस आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। ज्योति मैम आपके लिए लाई है ऑप्शंस ट्रेडिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें लाइव सेशंस में वो आपको ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी सिखाएंगी और लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग भी सिखाएंगी। इसके अलावा ज्योति मैम आपके डाउट्स भी खुद सॉल्व करेंगी। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। So how are you, Mr. Randir? All good, ma'am. Thank you. Thanks for having me here. ये कोर्स आपको मेंटरशिप ऑप्शंस कैसा लगा? मैंने कैसा, मतलब जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने आपको सिखाया, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे आपका हैंड होल्ड किया। हाँ, इनफैक्ट उससे ज्यादा किया, तो हमें जितना बताया गया था उससे ज्यादा एक्स्ट्रा सेशंस भी रहा, हैंड होल्डिंग रहा। इतने हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस रहते हैं व्हाट्सएप पर, बट आप सेलेक्ट करके राइट वे में जवाब देती है। राइट वे में जवाब देने का मतलब यह है कि आप सिर्फ आंसर नहीं बताती हैं, जो प्रोवोक पीपल के तुम सोच के बताओ, तुम आंसर दो। हाँ। तो थिंकिंग प्रोसेस प्रोवोक होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें खुद से क्वेश्चन पूछना और आंसर करना है। तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगी तो फिर क्या होगा, आपको फटाक से स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। अब मैंने आपको सिखाया है तो मैं आपको वही तो बता रही हूँ। ये देखो, अब देखो, अभी देखा आपने, अब बताओ क्या स्ट्रेटेजी बनती है। जी, तो उससे बहुत फायदा हो रहा है। मतलब क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं करने से लोग आपस में डिस्कस करते हैं, खुद से आंसर ढूंढ कर लाते हैं। सो दिस हेल्प्स अ लॉट। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एटलीस्ट अब ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, फॉर एवरीथिंग आई एम टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अर्लियर इट यूज्ड टू बी लाइक काइंड ऑफ रैंडम डिसीजन। जैसा मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया ये वैसा मेंटरशिप भी है। और इसमें से जिन्होंने भी यहाँ पे फोन किया था कि भाई हमको ज्योति से पर्सनली बात करके और अपनी मिस्टेक्स भी ढूंढनी है, अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी है, या हम दे आर क्यूरियस, मतलब हमको थोड़ा कुछ जानना है, तो मैंने कहा कि चलो फिर आप लोग से बातें करते हैं वन बाय वन। जिन जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है उन लोगों से बातें करती हूँ, और देखते हैं आपकी क्या मिस्टेक्स है। अगर आपकी मिस्टेक कॉमन सबकी मिस्टेक्स हो गई तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है। जी जी हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या मिस्टेक की थी, लॉस किया था, क्या हुआ था? हाँ, तो मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा। मीन्स ये कोर्स करने के 1 डेढ़ साल 2 साल पहले से मैंने FNO में पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया था विदाउट डेढ़ मच। ओके 1 डेढ़ साल पहले की बात है। ओके हाँ, मैंने उसमें से स्टार्ट किया था और मैं कंटिन्यूअसली करता जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करता जा रहा था। हम्म आ, कभी प्रॉफिट हो जाए बट मोस्टली लॉस होता था। मैं मुझे ऑप्शंस नहीं आता था और मैं फ्यूचर में पोजीशन लेना बहुत आसान था। इट वाज जस्ट ए बंडल ऑफ स्टॉक्स एंड यू टेक ए पोजीशन। तो बेस क्या था, सॉरी बेस क्या था पोजीशन लेने का? एक्चुअली मेरा अप्रोच अब मैं सोचता हूँ तो लगता है बहुत रॉन्ग था। जैसे अब ITC 200 रुपये पे अटका हुआ है, 200 से 250 हो गया, तो मुझे लगा इससे ज्यादा और क्या जाएगा, तो शॉर्ट कर दिया। अच्छा, मतलब खुद की गट फीलिंग। गट फीलिंग, यस, गट फीलिंग, और फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया क्योंकि शॉर्ट करने का और कोई उपाय नहीं था, मुझे ऑप्शन नहीं आता था। तो फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, नेक्स्ट डे कैरी किया, अगले दिन ITC बढ़ गया, अचानक से MTM लॉस 15-20 हज़ार हो गए तो काट दिया। तो बस गट फीलिंग पे थोड़ा बहुत चार्ट देखा, बहुत ज्यादा नहीं आता था, RSI वगैरह कभी सीखा नहीं था, तो ऐसे ही इंक्रीमेंटल बहुत लॉस हुआ। कभी कभी फायदा हुआ बट इट्स लाइक 10 हज़ार फायदा हुआ तो 50 हज़ार लॉस हो जाए। मतलब कभी खुशी कभी गम। अब मोस्टली कम ही था। तो मेरा ये था कि लॉन्ग पोजीशन तो मैं डिलीवरी में ले सकता हूँ, शॉर्ट सिर्फ फ्यूचर में ले सकता हूँ, तो मैं फ्यूचर में सिर्फ शॉर्ट करता था। और ये सोच कर कि इतना चल चुका है ITC, इतना चल चुका है परसिस्टेंट, और कितना जाएगा, कल 4% गया तो आज तो 1% नीचे आएगा। तो एंड ऑफ द डे में परसिस्टेंट में मैंने शॉर्ट पोजीशन ले ली, अगले दिन फिर वो 4% चला गया। तो मैंने आपको बताया ना कि 1 वीक में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 जा सकता है, हाँ, और बट हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये सब आपको अभी सिखाया है मैंने। जी अब जी शायद ये गलती नहीं होगी। नहीं, अब ये गलती नहीं होगी। और सबसे ज्यादा फायदा जो मुझे आपके कोर्स से हुआ है कि आप कैसे भी स्ट्रेटजी बनाएं, चाहे आप फ्यूचर से बनाएं या फ्यूचर ऑप्शंस कॉम्बिनेशन बनाएं या ऑप्शंस बनाएं, मेरा बजट 10-12 हज़ार और बहुत ज्यादा हुआ तो 15 हज़ार तक का होना चाहिए। कुछ कुछ होते हैं स्टॉक्स जहाँ 15 हज़ार लग जाता है, जैसे IOCL वगैरह, BPCL, इन सबों में लग जाता है, बट 15 के ऊपर तो मैं नहीं जा रहा हूँ। बट हम्म। मोस्टली 8, 9, 10, 11, 12, तो एटलीस्ट डर नहीं लगता है, नींद आती है। आपने जो सिखाया वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, और अभी जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसमें भी मैं ज्वाइन करूंगा। आपका वीडियो मैंने पहले भी देखा है, और जैसे कि लास्ट ईयर मैंने बताया था आपसे, मैं बैंगलोर में मिला था एक कॉन्फ्रेंस में। तो ये ऑप्शंस कॉन्क्लेव। हाँ, ऑप्शन कॉन्फ्रेंस में आपसे मिला था, और आपने उसमें IDFC फर्स्ट बैंक का एग्जांपल लिया था आपने, ओपन लो का, एंड आपने कहा कि यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। मुझे लगा कि हाँ, मैंने भी सोचा था यहाँ फ्यूचर एक लेना चाहिए था। फिर थोड़ी देर में आपने कहा एंड ऑफ द डे में आप इसको हेज करके चले जाइए ऑप्शन से। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि ऑप्शन क्या होता है मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगा कि सिस्टमेटिक हमें सीखना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आई वाज फॉलोइंग ऑल योर वीडियोस। फिर अपसर्ज आया, अपसर्ज का मैंने सीधा प्रो मेंबरशिप लिया अब ताकि ये सारे कोर्सेज मिले। फिर आपने बोला ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अब मेरा जर्नी चलेगा, इट विल गो फॉर एवर। चलो अच्छी बात है, बट डिसिप्लिन रखिएगा। ये डिसिप्लिन रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे आप अपनी मिस्टेक बताइए। तो मैं थोड़ा टेक्निकल देखता हूँ, और आपसे टेक्निकल कोर्स करने के बाद मुझे और समझ में आएगा। तो अभी जैसे मैंने इस पर इसको मैं टेक्निकल्स फॉलो कर रहा था थोड़ा, तो जैसे ये मुझे 5 डे 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र आ रहा था। 2-3 दिन से यहाँ ओपन लो था, तो इस पर मैंने लॉन्ग कल बिल्डअप भी था, लॉन्ग बिल्डअप पे था। राइट? यस्टरडेज क्लोज पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे या तो थोड़ा ऊपर लेवल पे ओपन हुआ, और मैं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन भी साथ में खोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। इनफैक्ट ये मुझे आज मॉर्निंग में OI गेनर मैनेजर नहीं आया था, OI लूजर मैनेजर आया था। तो मुझे लगा दिस इज ए, यहाँ जैसे एशियन पेंट OI लूजर में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट हियर शॉर्ट इफ कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। इट इज अ शॉर्ट कवरिंग। तो ओके, पोजीशन तो अभी आप ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन एशियन पेंट अभी आपका हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 2,900 पे है। 2,900 पे, यस, आज एडिंग भी 2,900 पे हुई है, 486, यस, या तो एडिंग हुई है, मतलब बुलिश साइड बन गया थोड़ा थोड़ा जी, सुबह। और अब आपका हाईएस्ट हाँ कहाँ पे है? हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 3000 पे है। हाँ 3000 उसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट है 35। हाँ राइट। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो 31 के आसपास है, 3100। हाँ 3100 पर। अब बताइए आपने आगे क्या लिया है। तो मैंने इसमें मेरे पास पोजीशन थी, पहले मैंने लिया था इसका 2940 का मैंने कॉल लिया था और उस पर मैं प्रॉफिट बुक करके देन आई मूव टू 3000 कॉल, उस पर फिर मुझे प्रॉफिट हुआ, देन आई बुक दैट प्रॉफिट आल्सो। और फाइनली मार्केट क्लोज होते समय मैं 3080 का कॉल ले लिया। सो दिस कॉल एक्चुअली एट 41 रुपीज इंटू 200 ये ऑलमोस्ट 8000 के बराबर हो गया। सो दिस ये कॉल मेरे लिए आज के लिए फ्री हो गया, मतलब वो फ्री हो गया। लेकिन आपने ये देखा कि 3000 के आसपास 3100 दोनों क्या इधर आपको हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। ये डिसीजन मैंने भी बता रही हूँ, देखिए ना आप इमीडिएटली ऐसा देखने का कि आप जब दो पोजीशन में प्रॉफिट कर गए और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है अभी 3100 के पास में, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ तो ये भी आपका रेजिस्टेंस लेवल भी उधर ही है। हाँ 3033 और कॉल भी उधर ही है। तो आप हाँ। इसको स्प्रेड, इसको डायरेक्टली कॉल लेने के बदले में इसको बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं ना, तो आपका घर में प्रॉफिट बचने के बाद भी मतलब पूरा 8000 अभी आपका क्या है फ्री का हुआ है। लेकिन ऊपर उधर आप जाइए तो ऑप्शन चेन में 3033 मतलब 3120 का भी अगर कॉल बेच देते रफली 10 रुपए की कॉस्टिंग आती थी ना। राइट राइट 3905 तो 40 रुपीज के अप्रॉक्सीमेटली सेल करके बाई करके 30 रुपीज का सेल कर दिया। हाँ राइट राइट हाँ तो 40 रुपीज का डिफरेंस था। तो अगर वर्स्ट सिनेरियो भी होता और फिर आप इसको एंड तक भी होल्ड कर सकते थे, मालूम उसमें क्या होता है कि आपका जो 8000 रुपया प्रॉफिट आ गया, अब आपको देना कितना पड़ेगा सिर्फ 2000 रुपीज। 6000 तो आपके घर में एज इट इज बच गए जी जी। अब अगर मार्केट आगे चला तो आपको 10-20 रुपया और आ जाएगा। नहीं भी गया तो 6000 तो आपके घर में परमानेंट हो गए। अब ये है अभी तो आप बोलोगे कि फ्री हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली घर में तो कुछ नहीं आया ना। हाँ और पूरा 8000 इस पे है वो ठीक है, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस और ये सब ध्यान में देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फिर 10 रुपए की कॉस्टिंग होती तो आपको अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2000 के आसपास ही आपका कॉस्ट आता। ठीक है मार्जिन लगता, लेकिन कॉस्टिंग तो आपकी 2000 की आती, 6000 रुपए घर में बच जाते। वो अलग ना 8000 आपने कमाए, 2000 दे दिए तो 6000 बच जाते ना, 6000 आपके पास बच जाते थे। और आप इसको फिर लंबा भी होल्ड कर सकते थे और इसमें ये भी कर सकते थे कि अभी अब ये तो आपका हो ही गया, ये वापस जब नीचे आता मान लो एशियन पेंट्स नीचे घूम जाता है टॉप के पास से, या कल मान लो ओपन हाई दिख के शॉर्ट बिल्डअप दिखता है बिकॉज ये शॉर्ट कवरिंग था तो शॉर्ट बिल्डअप भी दिख सकता है बाय एनी चांस, पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो कॉल सेल किया है वो और काट उसको कट करते, उसका प्रीमियम खा जाते। बाय कॉल तो खड़ा ही है ना आपका, बाय खड़ा है। राइट राइट दैट वे यू कैन कीप ऑन डूइंग सम ट्रेडिंग इन दैट, मेक मनी सम लिटिल मोर मनी इन दैट। राइट राइट ऐसे करके भी आप थोड़ा बहुत देख सकते थे ना। हाँ बट कुछ नहीं तो भी मान लो अगर ये ऊपर चला जाता है 3200 भी तो आपका स्प्रेड बन जाता है ना, फिर आराम से आप देखते क्या करना है। हाँ आराम से रिस्क बहुत कम हो जाता है, जैसे ओनली 10 रुपीज रिस्क, तो 10 रुपीज इंटू 200 2000 के रिस्क पर मैं सो कंफर्टेबली बिगनिंग ऑफ द है। तो एटलीस्ट वही है ना क्योंकि 8000 आपने प्रॉफिट ले लिया ना, ले लिया था। हाँ प्रॉफिट भी ले लिया और प्लस बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो अभी अभी आपका पूरा 8000 जो है वापस मार्केट में लगा दिया ना जो कमाया। तो घर पे तो कुछ नहीं लेके जा रहे हो सब जी। मान लो किसी कारण से अगर ये कल 10-20% नीचे खुले तो आपको क्या बेनिफिट, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। करेक्ट दैट्स व्हाट या दैट्स अ ग्रेट आइडिया। नेक्स्ट टाइम मैं इंप्लीमेंट करता हूँ सेम चीज। That similar situation बजाज फाइनेंस में भी था, so I just exited and did not take any position. जैसे कल मैंने इसमें पिछले 2 दिन मैंने ऑप्शन बाई करके इसमें पैसे कमाए, बट आज सुबह में इसका जब मैंने चार्ट देखा इट वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल, सो मॉर्निंग आई जस्ट एग्जिटेड एंड डिड नॉट डू एनीथिंग। इसको भी एडजस्ट करके होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ब्रेड में कन्वर्ट कर देते ना तो आपका लॉस नहीं होता। हाँ नहीं, आज मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हो गया हूँ। जो मैनेजमेंट आप इसके अंदर जब ब्रेक इवन में हो गए तो ऊपर का स्प्रेड बैठा देते हैं। हाँ स्प्रेड बैठाना था, कॉल स्प्रेड, कॉल स्प्रेड। या एग्जैक्टली। सो हियर एक्चुअली मतलब मैं यहाँ ऑलमोस्ट 67.50 टू दिस लेवल आई गॉट द प्रीमियम। मतलब ऑप्शन बाई करके मैंने पैसे कमाया। एग्जैक्टली याद नहीं कितने कल का था, बट आज जब ये ट्रेंड कंटिन्यू, तो आज जब आपने इसको थोड़ा सा भी नेगेटिव देखा तो इमीडिएटली स्प्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब 7,000 या 7,100 का कोई भी एक कॉल राइट कर देते हैं, तो आपका जो आपका बाय कॉल खड़ा है उसके साथ राइटिंग किया होता कॉल होता ना, जो बाय कॉल किया था आपने उसके साथ ये राइटिंग करके बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया होता तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाती थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल। राइट, क्योंकि ऑलरेडी शायद एक आध रुपया घर पे ही आता था लेकिन कॉस्टिंग नहीं होती थी इतनी। राइट राइट, नेक्स्ट टाइम से मैं वही करूंगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट वाले पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करना थोड़ा सीखना है अभी। ट्रेड में कन्वर्ट करके कर लो अगर डर लगता है तो। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर प्रॉफिट में हो थोड़ा भी तो भी स्प्रेड में कन्वर्ट करके जाओ तो रिस्क कम रहता है। ठीक है प्रॉफिट कम रहता है लेकिन जो डर रहता है ओवरनाइट का और वो जो टेंशन रहता है और आप कम प्रॉफिट में निकल जाते हो, उन सब चीजों से बच जाओगे। एग्जैक्टली। और ये भी श्योर नहीं रहता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कितना टाइम दे पाऊंगा। प्रॉफिट तो हम अपने आप ही लिमिट कर देते हैं, तो लॉस को भी लिमिट करना सीखो। तो उस हिसाब से ठीक है आपने प्रॉफिट कभी कम कर लिया लेकिन लॉस तो नेग्लिजिबल कर लिया। मोर इम्पोर्टेंट इज कंट्रोलिंग द लॉस। और इनफैक्ट एक और चीज जो कि मैंने नोटिस किया डेटा एनालाइज किया आपसे कोर्स करने के बाद, मैं मोस्टली फ्यूचर में पोजीशन लेता था। अब मैं पिछले कुछ महीनों से मतलब फ्यूचर मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, क्योंकि फ्यूचर में इतना जल्दी एमटीएम लॉस इतना बड़ा हो जाता है, 12,000 15,000 दिख जाता है। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम टेकिंग द राइट रेट, बट वहां पर सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने बिल्डर सॉफ्ट में अभी नहीं पहले पोजिशन लिया था और मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैंने सही पोजीशन लिया था, लेकिन नेक्स्ट डे इतना ज्यादा एमटीएम लॉस हुआ। मैंने बिल्डर सॉफ्ट में ऑलमोस्ट इस पोजीशन पर यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर ये सारे मूविंग एवरेज। राइट राइट, क्या है मूविंग एवरेजेस, ये जो क्रॉसओवर्स होते हैं ना ये थोड़े लगाड़ होते हैं। इनके जो इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से यूज किया जाए ना तो इट्स ओके। आप वापस उस पॉइंट पे लेके आओ, मैं बताती हूँ आपने क्या गलती की है। हाँ, अभी देखिए आपने यहाँ पे किया ना, मूविंग एवरेजेस थोड़े लगाड़ होते हैं राइट। तो आपको यहाँ पे ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम मिला राइट। अब यहाँ पे से आप देखो कि जो हम लोग देखते हैं कि ये हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए था इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट जो है वो अराउंड 800 के आसपास या 790, मतलब That's what 8% और something like that, 7-8%, 780 के आसपास कहीं होना चाहिए था राइट। हाँ तो वो अचीव कर गया। हाँ और 3 दिन में हो गया। फिर हमने ट्रेड लिया ये। अच्छा ये पैटर्न क्या बनेगा, अभी ऐसे बना फिर ऐसे बना फिर ऐसे बना फिर ऐसे क्या बन रहा है। So I was thinking it will take Dow theory, but यहाँ पर Dow theory था, but डाउ थियरी था, लेकिन ये अगर मैं डाउ थियरी पकड़ू तो दिस कैंडल का ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो ये ब्रेक होने के बाद जनरली क्या करना चाहिए कि वो वापस से जब रीटेस्ट करता है ना तब सेल करना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी 3 दिन में 8-10% गिर चुका है। एग्जैक्टली और मैं यहाँ यहीं पर मैंने पोजीशन लिया था सेकेंड डे में, से थोड़ा होल्ड किया और अगले दिन ये इतना तेजी से ऊपर गया विद और आपका स्टॉप लॉस खा के बाद में वापस नीचे आ गया। स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं मैंने, मैं एमटीएम लॉस देखकर डर गया, मैं लॉस बुक करके निकल गया और फिर मैंने ट्रेड लिया ही नहीं इसमें। और मैं फ्यूचर शॉर्ट करके बैठा था, कोई विदाउट एनी हेज। तो अभी आप समझ गए इसमें क्या मिस्टेक थी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मतलब on third day when it is already run up, यहाँ पर इतना run up हो चुका है, then I should have waited. Yes, if the run up is more than 5-7%, no. Actually, the run up is around about 5% also. Then also you should not take a trade. You have missed it. तो miss, खत्म. हाँ, miss तो miss. या फिर उसका वापस आने, जैसे आपने कहा रीटेस्ट करता है, जब वहाँ रीटेस्ट करता है तब वहाँ इंटर करना। हाँ, तो वो शॉर्ट बिल्डअप के बाद शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्ट बिल्डअप, वो वाला साइकिल चालू हो जाए तो करने का। एग्जैक्टली नहीं, आपसे कोर्स करने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को बताया, इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि मुझे क्या लगता है, इस बात का इम्पोर्टेंस है कि मुझे क्या दिखता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीवन। सी, मार्केट आपको क्या दिखाना चाहता है वो देखो, आप क्या देखना चाहते हो वो मत देखो। हाँ, तो जो दिख रहा है उस पर ट्रेड लेना है, जो लग रहा है उस पर ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आपके डाउट्स भी सॉल्व किए हैं मैंने, और आपको मजा भी आया होगा डायरेक्ट इंटरेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपके अगले मेंटरशिप प्रोग्राम टेक्निकल एनालिसिस के लिए वेट कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं उस प्रोग्राम पे। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या मिस्टेक्स आप मुझसे करेक्ट करवाना चाहते हो? यस, मेरा आज तक का मतलब बड़ा लॉस है, क्योंकि 21 फेब को मतलब फ्रेंड के साथ या कलीग के साथ भी डिस्कशन करने के बाद बहुत बड़े एक कन्विक्शन के साथ ट्रेड लिया था और बड़ा अमाउंट के साथ लिया था, और वो बार बार मैंने 2-3 बार एवरेज आउट किया, तो उसके लिए वो बड़ा लॉस हो गया। और एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि अगर मैं वो ट्रेड में बना रहता तो मैं पूरा 101% प्रॉफिट में रहता। तो आई वांट, मतलब आप उस पे गाइड कीजिए प्लीज मैम। मुझे एक बात ये बताइए कि आप प्रॉफिट कितना कमाना चाहते थे उससे? एक्चुअली मैंने आरआर रेशो 1:2 पकड़ के चला था। मैंने एक ही ऑब्जर्व किया था कि बैक टू बैक 4 to 5 डेज मार्केट कंटिन्यूअसली गैप अप हो रहा, ऊपर जा रहा है, और पहला दिन ऐसा था कि वो ओपन हाई हो गया था, ऑल टाइम हाई ओपन हाई हो गया था। मुझे स्क्रीन शेयर करिए, फिर मैं आपसे बात क्वेश्चन पूछती हूँ। उस ट्रेड पे लेके जाइए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। 21 फेब, तो अगर देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई पे गैप अप हो गया था, ओपन हाई। फर्स्ट 15 मिनट होते ही वो मुझे शॉर्ट बिल्टअप में दिखने लगा, 1.30 ऐसा दिखने लगा। मैंने 9:31 पे पहला ट्रेड लिया, बाय सेल पुट लिया। ठीक है, जैसे ही अभी टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ, 15 मिनट पे जैसे मैंने नया रिफ्रेश करो। हाँ, जस्ट और वहाँ पे काम करो, एक वर्टिकल लाइन बना दो, तो उससे क्या आपको वापस आना नहीं पड़ेगा। ये रहा 21st। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो गया था, ये यहाँ पे ओपन हो गया था 20,248.85 पे ओपन हो गया। पहला कैंडल खत्म होते ही मैंने 9:31 को मैंने यहाँ पे पुट ले लिया। ठीक है, अगेन जैसे जैसे पहले 5-10 मिनट में प्रॉफिट आना चालू हो गया, वो वापस जब ऊपर गया थोड़ा सा, मैंने वापस से मतलब शायद मुझे लगा कि और ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा कि बाहर चला जाऊंगा, लेकिन अगले मतलब वो बहुत टाइम वेट करता रहा, ऑलमोस्ट टिल 1:30। मैंने 3 से 4 बार एवरेज कर चुका था, वहां पे मैंने होप छोड़ दिया है। 115 120 पे मैंने सब लॉस बुक करके मैं वहां से बाहर पड़ गया, मतलब बाहर निकल गया। उसके बाद जो मार्केट गिरा है, मतलब मुझे पता नहीं क्या एक्चुअली। एक मिनट, सबसे पहली बात, गैप अप ओपन हाई जब दिखता है, मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो मुझे करेक्ट करनी है, और ये गलती दोबारा मत करना अपनी लाइफ में। मैं अभी से समझा देती हूँ। एक तो जो ओपन हाई का हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। अब ये जो ओपन हाई है, इस पे मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। बन क्या हॉरिजॉन्टल लाइन? हाँ। सबसे पहली बात, गैप अप ओपन हाई है तो आपको उसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टॉप वाला, वो ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर 21st का ये है तो डेफिनेटली आपने 22nd की एक्सपायरी का काम किया होगा, नो डाउट, राइट? तो आप तो अगर दूसरे दिन की एक्सपायरी है तो आपने कितने बड़े लॉट्स का काम कर लिया कि आपको 70,000 रुपए का लॉस सिर्फ इतने छोटे से मूवमेंट में हो गया। वो एवरेजिंग करना, नो मिस्टेक। मुझे ये बताओ कितनी बड़ी क्वांटिटी कर ली आपने? एक्चुअली आई स्टार्टेड विद 10 लॉट्स फर्स्ट। किस खुशी में 500 अगर है तो फिर आपने जो सिस्टम का सुना तो आपने फिर होप क्यों आ गए? अगर आपने सिस्टम का सुना और सिस्टम के हिसाब से आप राइट थे, गैप अप ओपन हाई आपने पुट लिया, बहुत अच्छी बात है, तो फिर होप बीच में कहाँ से आ गया? क्या आपके सिस्टम ने ऐसे हिट किया? नो। दूसरा, आपने एवरेज किया? यस। अगर आपको एवरेज ही करना था तो नेक्स्ट वीक का करते। हाँ। सेम डे का क्यों किया? मंथली एक्सपायरी करते, मतलब 29th जो मंथली एक्सपायरी थी उसका इस बार, हाँ, तो उस दिन कर सकते थे। इस बार की एक्सपायरी 29 फरवरी थी, राइट? हाँ, तो ये तीसरा, आपने इतनी बड़ी लॉट्स की है, आपकी इच्छा कितने लॉट्स लेने की थी? आपने 10 लॉट लिया। एक मिनट, आपने 10 लॉट लिया, यूजुअली आप कितने लेते हो बात अलग की बात है। अगर आपने 10 लॉट लिया तो आप हमेशा जैसे 10 से ही ट्रेड करते हो ना, हाँ, तो फिर उसको 3-3 करके क्यों नहीं किया अगर एवरेज ही करना था तो? हाँ। और एवरेज हमेशा कभी भी सेम में मत करो, थोड़ा सा उसको टाइम दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे गए, जैसे ही दिन खत्म हुआ वो आपका पैसा पूरा जीरो आज ही कर देगा ऑलमोस्ट। yes. तो इसलिए नेक्स्ट वीक का लेते तो आपको बेनिफिट मिल सकता था। yes. तो सबसे बड़ी दो गलती की आपने, एक तो ये कि आपने ओपन हाई का जो है वो एसएल नहीं लगाया, राइट? यस, यस। और दूसरा, आपने नेक्स्ट सेम मतलब एक्सपायरी का ले लिया। इससे yes. अच्छा होता कि आप 29th का करते, क्योंकि मूवमेंट तो वहां भी आता और वहां पे प्रीमियम ज्यादा लगता तो आपको बेनिफिट भी ज्यादा दे देता। ऐसा कोई बात नहीं है कि खाली बेनिफिट यहाँ मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, राइट? राइट, राइट। हाँ, तो ये दो मिस्टेक आपको समझ में आई? यस। ठीक है, अभी थर्ड मिस्टेक जो सबसे बड़ी है, एक चीज जो है वो आप हमेशा ध्यान रखना, वो ये कि ऑल टाइम हाई पे जब ओपन और हाई मिलता है तो इट इज ब्रिलियंट, और ओपन हाई जब ब्रेक हो जाता है, ओके, यू शुड स्क्वायर इट ऑफ एंड गो इन अ रिवर्स मोड, अपोजिट पोजीशन लेने। यस, व्हाई? बिकॉज लेट्स से उसने ओपन हुआ, वहां से 100 पॉइंट नीचे आया, ओके, और वापस वो कवर करके और ऊपर चला गया, तो देयर इज अ चांस कि वो 100 पॉइंट रिकवर और कर जाए, ओके, राइट? क्योंकि सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और right. सब, जैसे आपने एवरेज किया सब एवरेज करेंगे, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि ऑप्शंस में एवरेज नहीं होता, नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अब मेरी बात सुनिए, आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है और जो एक्चुअली क्या होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि जब लॉस हो रहा होता है और हमने एवरेज करके और ऐसा बड़ा कबाड़ा कर लिया होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और मिस्टेक पे मिस्टेक होती है और अच्छी चीजें हमको दिखाई नहीं देती, राइट? राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। हाँ, दिख रहा है आपको मेरा कर्सर? ये एक बड़ा वीक बना है 20 को, ओके। नहीं, आप ये कंप्रेस मत कीजिए। अच्छा, चलेगा, कंप्रेस कर लो, चलो, वहां भी दिख रहा है मुझे तो। हाँ, ठीक है। अभी ये फर्स्ट जो कैंडल है लाल कलर का दिख रहा है आपको? बड़ा कैंडल स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहा है, हाँ, वहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इसको इसके बॉटम पे लेके जाइए, ठीक है? ये बनाया आपने? हाँ, ठीक है। अभी यहाँ से ये जो सेकंड है कटिंग, ये हाँ, आपने इसको कट क्यों किया? ओके, सॉरी। हाँ, ऐसा रखो, ओके। अब इसी के बॉटम से दूसरा एक और ट्रेंड लाइन बनाइए, सेकंड यहाँ से बनाइए ना, ट्रेंड लाइन लीजिए, वो हैमर जैसा दिख रहा है, हाँ, जो सेकंड बॉटम था वहां से स्टार्ट कीजिए, हाँ, ओके, और ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको लेके जाइए ऊपर, हाँ, लेके जाइए, काट दीजिए, यस, ओके। अब देखो आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की, आपको अपनी मिस्टेक समझी? यस, यस, यस। ये जो होता है ये पैनिक में हमको दिखाई नहीं देता है। तो जनरली क्या होता है कि जो अगर डबल ट्रेंड लाइन बन गई है मेरी, हाँ, पहले वाली टूटेगी ना तो उसको दूसरी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी वाली उसने तोड़ दी देन तो फिर उसको मार्केट छोड़ेगा नहीं। तो अगर आपने होप छोड़ के एसएल में सौदा काट भी लिया तो आपको वापस लेना चाहिए था ब्रेकडाउन पे। या अगर आपने ये ट्रेंड लाइन बनाए होते तो होप बीच में आया किधर से मुझे ये बताओ। राइट, जैसे लॉसेस दिखना चालू हो जाता है सब गड़बड़ हो जाता है। वही बात है, क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं हमारे में जो सबसे बड़ी वीकनेस है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ तो उसके बाद मार्केट मुझे अच्छे से समझा देता है। और आप जानते हो जब मार्केट समझाता है तो फिर बाद में अच्छे से ही समझ में आ जाता है। राइट, तो क्या होता है कि ट्रेड हम स्टडी पे करते हैं, फिर उसके बाद अगर पोजीशन माइनस जा रही है हम स्टडी की तरफ देखना ही भूल जाते हैं और सीधा M2M ही दिखाई देता है और उसकी वजह से हम पैनिक में आके अपना ट्रेड काट लेते हैं। तो पैनिक्स जो होते हैं वो अपने आप खुद का सेल्फ कंट्रोल करने के लिए लाया जाता है और उसी वक्त आपको पता चलेगा कि स्टडी की कितनी वैल्यू होती है। वैसे तो रेगुलर में भी, लेकिन ट्रेड जब हम स्टडी पे लेते हैं तो फिर स्क्वायर ऑफ के टाइम पे हम होप पे क्यों पहुंच जाते हैं, स्टडी किधर गई। हाँ, अब बताइए, आपने मेरा ऑप्शंस का मेंटरशिप प्रोग्राम किया था जो हमने मार्च में किया था। यस, अच्छा, रेगुलरली मैं आप लोग का हैंड होल्ड कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही हूँ। आपने मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक ट्रेड से बचाया भी था, स्टॉप लॉस मतलब बड़ा लॉस होने से। मैंने बचाया वो तो बात की बात है, तुमने किया क्यों इतना बड़ा ट्रेड? नहीं, क्या होता है सुनो, पेपर हो या रियल, अभी ये जो था ये रियल था, लेकिन बड़ा ट्रेड होने के वजह से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आप पैनिक में आके और उससे निकल गए। राइट, और उसके बाद तो आपने देखा रे ये तो सब मेरा स्टडी तो पूरा राइट था, मैं कहाँ गलत था, कन्विक्शन मेरा राइट था, गलत तो था ही नहीं। राइट, तो मैंने जो आपका हैंड होल्डिंग किया, कहीं पे भी आप देखो मैंने किसी भी पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये स्ट्रैटेजी ले लूं, तो मैंने क्या जवाब दिया, हाँ ले लो ऐसा दिया है, या ये देख बोला है कि देखो कि HPO HCO के बीच का डिफरेंस कितना है, ओपन हाई ओपन लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो स्टडी हमने किया था उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो। मैं हर बार यही पूछती हूँ कि आपका ट्रेड का बेस क्या है। राइट, करेक्ट। और मैंने बोला है कि भाई मैं इतने से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेती हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, मतलब फिक्स है। राइट, कट गया, स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। करेक्ट, बट इफ स्टॉप लॉस इज नॉट हिट एंड ओनली इफ आई सी अ रिवर्सल देन ओनली आई विल एग्जिट। यस, मैंने कभी भी मैंने किसी भी पार्टिसिपेंट को बनी बनाई स्ट्रेटेजी नहीं दी है, बल्कि जितनी बार भी उन्होंने पूछा, यहाँ तक कि आज भी पूछा कि क्या मैं ये राइट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि आप देखिए कि आपका HPO HCO का डिफरेंस क्या है, आपने ओपन हाई ओपन लो लिया है क्या, उसके बीच में 5% का डिफरेंस, ऐसा जवाब दिया ना मैंने। बराबर, मतलब मैं हैंड होल्ड कर रही हूँ, सिखाने के बाद रेडीमेड नहीं दे रही हूँ ना। करेक्ट मैम, अगर उस टाइम पे रहता तो मैं पक्का पुट स्प्रेड लेके एटलीस्ट लॉस तो नहीं बुक करता। लॉस बुक करना अलग बात है, स्टॉप लॉस हिट होना अलग बात है। Right. Yes, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वो तो है, भले उसके बाद टारगेट आ जाए। Yes. सिस्टम ने स्टॉप लॉस दे दिया मतलब दे दिया, काम खत्म। Yes, तो आपने अभी एक टेक्निकल का भी मेंटरशिप किया है क्या? ज्वाइन, ये अभी ज्वाइन किया है मैंने। यस, एनरोल किया है। तो ये हाँ, तो अच्छा है, ये सारी गलतियां वहाँ पे करेक्ट कर दूंगी मैं। यस यस मैम, दैट्स व्हाई आपका हैंडल इतना बढ़िया था। आपका ट्रेंड लाइन ये जो आपने गलती की ना, ट्रेंड लाइन की मतलब नहीं ड्रॉ किया, ये सब पॉइंट्स जो आपने इग्नोर कर दिए ना वहाँ पर ठीक कर दोगे। ऑप्शंस के बहुत सारे YouTube वीडियोस देख लिए बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वेल इन दैट केस आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत होगी। ज्योति मैम आपके लिए लाई है ऑप्शन ट्रेडिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें लाइव सेशंस में वो आपको ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी सिखाएंगी और लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग भी सिखाएंगी। इसके अलावा ज्योति मैम आपके डाउट्स भी खुद सॉल्व करेंगी। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यस मैम, यस मैम, श्योर, पक्का। क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन आपने मिस कर दिया। ठीक है, गलती सबसे होती है, लेकिन बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी पोजीशन मत बनाओ, वो भी एक्सपायरी के पहले दिन की आपको ऑलमोस्ट 70,000 मतलब लाख रुपए के आसपास का नुकसान। भैया अगर इतना पैसा है तो मुझे ही दे दो, मार्केट को क्यों दे रहे हो, ऐसे ही दे दो, चैरिटी कर दो। राइट, ये सभी मैं पूरा वो फॉलो करूंगा। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। देखो रूल इज रूल। यस मैम। बिजनेस के कुछ रूल्स हैं, वो कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वैसे भी मार्केट के भी कुछ रूल्स हैं, मैं खुद भी उनको ब्रेक नहीं कर सकती, आप भी नहीं करो। मैं जिस दिन करती हूँ मार्केट मुझे बोल देता है कि आज आपने रूल ब्रेक किया, जाओ आज तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक पूछना था, वो फियर के लिए क्या करें मैम? साइकोलॉजी मतलब डेवलप होना, मतलब एंड ऑफ द डे साइकोलॉजी। अभी आपने को चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया, राइट? तो ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ की होती तो आपको फियर आता नहीं, मैं वेट करता, राइट? मैं वही कह रही हूँ, मिस्टेक जो होती है हम ट्रेड स्टडी के बेस पे लेते हैं, बाद में होप में चले जाते हैं। करेक्ट, स्टडी पे थे तो स्टडी पे रहो ना। और yes, इतना बेसिक स्टडी तो मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। इससे पूछ के ट्रेड किया, उससे पूछ के ट्रेड किया, किसी से भी पूछो, लेकिन साथ में एक बार खुद से चेक करो कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप होल लाइफ सीखते रहोगे। अदरवाइज आप एक ही चीज सीखोगे, इस एनालिस्ट को छोड़ा, उसको पकड़ा, इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, दैट वाला वो वाला सीन हो जाएगा। yes, खुद से कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, यस मैम। तो होप टू सी यू इन टेक्निकल एनालिसिस सेशन। क्योंकि मैंने जैसा मेंटरशिप का आप लोग को प्रॉमिस किया है, अभी जो जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं मैं सब लोग से बात कर रही हूँ, और जो भी डिफिकल्टी या जो भी उन्होंने गलत ट्रेड किया या जो मिस्टेक की उसको बता रही हूँ कि भाई दोबारा ये मिस्टेक जिंदगी में मत करना। यस मैम। ओके, यस। ये मुझे पसंद है, यही मेरी हॉबी है, यही मेरा पैशन है, और इसे ही मैं असली ट्रेनिंग कहती हूँ। थैंक यू।